हेलो दोस्तों, बॉलीवुड में रोजाना ऐसी ढेर सी मूवी आती हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स ने काम किया होता है, लेकिन उसकी स्टोरी काफी कॉमन होती है। इसलिए हम आज टॉप 20 ऐसी मूवी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है। भले ही इन मूवी ने ज्यादा कमाई ना की हो, लेकिन इन मूवी की स्टोरी ने ही लोगों को अपना दीवाना बनाया है। और वीडियो शुरू होने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ मूवीज को हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो अगर आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 20 पे है काशी इन सर्च ऑफ गंगा। ये मूवी 2018 में आई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 5.5 है। कहानी एक भाई की है जो अपनी बहन को काशी में पढ़ने के लिए भेजता है, लेकिन उसकी बहन वहां से लापता हो जाती है। और जब वो अपनी बहन की तलाश में उसके कॉलेज जाता है तो उसके कॉलेज वाले भी इस बात से इनकार कर देते हैं कि उस नाम की लड़की उस कॉलेज में पढ़ती थी। ये मूवी सस्पेंस से भरी हुई है और इस मूवी को धीरज कुमार ने डायरेक्ट किया है। नंबर 19 पे है परी। ये मूवी 2018 में आई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.6 है। हम सब ये सोचते हैं कि इंडियन हॉरर मूवी काफी हद तक कॉमेडी मूवी जैसी होती है, लेकिन ये मूवी आपकी इस सोच को पूरी तरह से बदल देती है। और इसे प्रोसोजीत रॉय ने डायरेक्ट किया है और ये बहुत ही अच्छी मूवी है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। नंबर 18 पे है फोबिया। मूवी 2016 में आई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने घर से निकलने में डरती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर वो घर से बाहर निकलेगी तो उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। अब उसको ऐसा क्यों लगता है ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये एक साइकोलॉजिकल मूवी है जिसे पवन कृपलानी ने डायरेक्ट किया है। नंबर 17 पे है गेम ओवर। ये मूवी 2019 में आई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है। ये कहानी एक लड़की की है जो कंप्यूटर गेम डिजाइन करती है, लेकिन उसकी लाइफ तब बदल जाती है जब उसकी लाइफ में एक सीरियल किलर की एंट्री होती है जो उस लड़की के साथ एक सर्वाइवल गेम खेलता है। ये एक हॉरर थ्रिलिंग मूवी है जिसको अश्विन सरवनन ने डायरेक्ट किया है। नंबर 16 पे है 404 एरर नॉट फाउंड। ये मूवी आई थी 2011 में और इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.2। ये एक मेडिकल हॉस्टल की कहानी है जहां रूम नंबर 404 में एक लड़के ने सुसाइड किया था और इसलिए अब उस रूम में कोई नहीं रहना चाहता, लेकिन एक लड़का चैलेंज लेता है कि वो उस रूम में रह सकता है। अब आगे क्या होता है ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसे प्रवल रमन ने डायरेक्ट किया है। नंबर 15 पे है नो स्मोकिंग। ये मूवी 2007 में आई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है। ये कहानी एक चेन स्मोकर की है जो सिगरेट स्मोकिंग बंद करना चाहता है, इसलिए वो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर जाता है जहां उसके साथ एक डील की जाती है कि अगर उसने फिर से सिगरेट को हाथ भी लगाया तो हर बार उसके फैमिली के एक सदस्य को मार दिया जाएगा। ये मूवी अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट की है और इसमें जॉन अब्राहम ने कमाल की एक्टिंग की है। और अगर आपने इस मूवी को अब तक देखा नहीं है तो जरूर देखिए। नंबर 14 पे है मर्द को दर्द नहीं होता। ये मूवी 2018 में आई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसकी बॉडी पे कोई भी पेन का असर नहीं होता, यानी इस मूवी के कैरेक्टर को आप हॉलीवुड के डेडपूल के कैरेक्टर से जोड़ सकते हैं। हालांकि ये मूवी उतनी दमदार नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छी मूवी है और इसे वसन बाला ने डायरेक्ट किया है। नंबर 13 पे है लाल कप्तान। ये मूवी 2019 में आई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है। ये कहानी एक नागा साधु की है जो खुद को शिवजी का सिपाही मानता है और बुरे लोगों को दुनिया से मुक्ति देता है। ये अगर किसी भी आदमी के पीछे पड़ जाता है तो उसे बिना मारे नहीं छोड़ता, इसलिए कई लोग इसे भूत समझते हैं। कहानी एक अलग कॉन्सेप्ट पे है, इसलिए इस मूवी को आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। और इस मूवी को नवदीप सिंह ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने NH10 जैसी मूवी डायरेक्ट की है। नंबर 12 पे है सरबजीत। ये मूवी 2016 में आई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है। ये कहानी सरबजीत की है जो शराब के नशे में पाकिस्तान के बॉर्डर पहुंच जाता है और उसको वहां हिंदुस्तानी जासूस समझ के कर लिया जाता है। ये कहानी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है जो काफी इमोशनल है, लेकिन इस मूवी की सबसे बड़ी बात है इसकी स्टार कास्ट की एक्टिंग, क्योंकि इस मूवी में एक्टिंग करने के लिए रणदीप हुड्डा ने अपना वेट 18 किलो कमाया था, वो भी केवल 28 दिन में, जो आप मूवी में देख ही सकते हैं। और इस मूवी को उमंग कुमार ने डायरेक्ट किया है।
नंबर 11 पे है रमन राघव 2.0। ये मूवी 2016 में आई थी, इसकी IMDb रेटिंग 7.4 है। ये कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जो बार बार कानून को धोखा देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका केस एक ऐसे आदमी के पास है जो इंसान बिल्कुल ही उसी की तरह है। अब आगे की कहानी तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उस सीरियल किलर का रोल प्ले किया है और विक्की कौशल ने उस ऑफिसर का, और इस मूवी को अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है। नंबर 10 पे है मर्दानी 2। ये मूवी आई थी 2019 में और इसकी IMDb रेटिंग है 7.4। कहानी एक सीरियल किलर की है जो लड़कियों का रेप करके उनका मर्डर कर देता है और उनकी बॉडीज को नाले में फेंक देता है, और उसी को पकड़ने के लिए रानी मुखर्जी लगी रहती है जो इस मूवी में SP का रोल प्ले कर रही है। और इस मूवी में विशाल जेतवा ने जो एक्टिंग की है उसको देख के आप दंग रह जाएंगे। और ये मूवी गोपी पुद्रम द्वारा डायरेक्ट की गई है। नंबर 9 पे है ट्रैप्ड। ये मूवी आई थी 2006 में और इसकी IMDb रेटिंग 7.5 है। बॉलीवुड में सर्वाइविंग मूवी काफी कम बनती हैं और उन्हीं कुछ मूवीज में से ये एक मास्टरपीस है। इस मूवी में एक इंसान बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे बंद हो जाता है। उसके पास ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना उसके मोबाइल में चार्ज है, और ना ही खाने पीने की कोई चीजें हैं। अब वहां पे वो कैसे सर्वाइव करता है ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी में राजकुमार राव ने गजब की एक्टिंग की है और इसे विक्रम आदित्य मटवानी ने डायरेक्ट किया है। नंबर 8 पे है उड़ता पंजाब। ये मूवी 2016 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7.8 है। ये मूवी पंजाब में ड्रग्स के ऊपर बेस्ड है, जहां दिखाया गया है कि कैसे पंजाब के यूथ अपना जीवन ड्रग्स में बर्बाद कर रहे हैं। और जब ये मूवी आई थी तो ये काफी कंट्रोवर्सी में थी, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि कंट्रोवर्सी वाली मूवीज को जरूर देखना चाहिए। मूवी में सभी ने बेहतरीन एक्टिंग की है और इस मूवी को अभिषेक चौबे ने डायरेक्ट किया है। नंबर 7 पे है द टस्किन फाइल्स। ये मूवी आई थी 2019 में और इसकी IMDb रेटिंग 7.8 है। ये मूवी बेस्ड है भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री के डेथ के ऊपर। मूवी में बताने की कोशिश की गई है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ नेचुरल थी या एक प्लान मर्डर था। ये मूवी भी कंट्रोवर्सी में फंसी हुई थी, तो इस मूवी को भी आपको जरूर देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट किया है विवेक अग्निहोत्री ने, और इस मूवी में कई सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स ने काम किया है। नंबर 6 पे है कहानी। ये मूवी आई थी 2012 में और इसकी IMDb रेटिंग है 8.1। ये कहानी बेस्ड है एक प्रेग्नेंट औरत के ऊपर जो लंदन से कोलकाता आती है ताकि वो अपने हस्बैंड को ढूंढ सके, लेकिन यहाँ आने पर उसके हस्बैंड को कोई भी पहचानने से इनकार कर देता है और ऐसा लगने लगता है कि उसका हस्बैंड कभी जन्मा ही नहीं था। अब वो अपने हस्बैंड को ढूंढ पाती है कि नहीं है तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी काफी थ्रिलिंग है और इसे सुजोय घोष ने डायरेक्ट किया है। नंबर 5 पे है सेक्शन 375। ये मूवी आई थी 2019 में और इसकी IMDb रेटिंग है 8.1। ये कहानी बेस्ड है एक रेप केस के ऊपर, जहां एक बहुत बड़े फिल्म मेकर के ऊपर आरोप लगता है कि उसने एक जूनियर कॉस्ट्यूम डिजाइनर का रेप किया है। अब ये बात सच है कि नहीं ये तो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। इस मूवी में ऋचा चड्ढा और अक्षय खन्ना ने लॉयर्स का रोल प्ले किया है और इसे अजय बहल ने डायरेक्ट किया है। नंबर 4 पे है तुम्बड। मूवी आई थी 2018 में और इसकी IMDb रेटिंग है 8.3। ये एक हॉरर मूवी है, लेकिन ये आम हॉरर मूवी जैसे बिल्कुल भी नहीं है, और मेरे हिसाब से तो इंडिया की बेस्ट हॉरर मूवी है, और ऐसी फिल्म शायद ही दुनिया में कोई और होगी। और अगर आप हॉलीवुड मूवीज के फैन हैं तो ये मूवी आपको बता देगी कि इंडियन मूवी किसी से कम नहीं है। बस इंडिया में नेपोटिज्म के कारण इन मूवीज को उतना चांस नहीं मिलता जितना ये डिजर्व करते हैं। और इस मूवी को आनंद गांधी ने डायरेक्ट किया है, जिसे आप यूट्यूब पे फ्री में भी देख सकते हैं। नंबर 3 पे है अंधाधुन। ये मूवी 2018 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग 8.3 है। मूवी की कहानी बेस्ड है एक अंधे आदमी के ऊपर जो पियानो बजाता है, लेकिन आगे जाके ये मूवी क्राइम थ्रिलर में बदल जाती है और अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो आपके होश उड़ा देगा। कहानी जानने के लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी, जिसे आप यूट्यूब पे फ्री में भी देख सकते हैं, और इसे श्रीराम राघव ने डायरेक्ट किया है। नंबर 2 पे है सुपर डिलक्स। ये मूवी आई थी 2019 में और इसकी IMDb रेटिंग 8.4 है। इस मूवी में चार कहानियां एक साथ चलते रहती हैं और इवेंचुअली सब कहानी लास्ट में जाकर एक हो जाती है। मूवी काफी थ्रिलिंग है और ऐसी मूवी तो साउथ इंडियन वाले ही बना सकते हैं, क्योंकि ना वो किसी से कॉपी करते हैं और ना उनकी मूवी बड़े बड़े स्टार्स पर डिपेंड रहती है। और इस मूवी को थिया रंजन कमराजा ने डायरेक्ट किया है।
नंबर वन पे है रत्सासन। ये मूवी 2018 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग 8.7 है। ये कहानी एक लड़के की है जिसका सपना होता है कि वो एक फिल्म मेकर बने, लेकिन अपने फादर की डेथ के बाद वो पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने पे मजबूर हो जाता है। और फिर उसे एक ऐसा सीरियल किलर का केस मिलता है जो स्कूल की लड़कियों को पकड़ता है। मूवी काफी थ्रिलिंग है और ट्विस्ट से भरपूर है, तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। और इस मूवी को राम कुमार ने डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 20 बॉलीवुड की यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट में बताइए कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। और अगर आप यहाँ तक आ ही चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।